मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। पेड़ बचाने वाले लोगों के घरों पर हमला हुआ है, विरोध करने वाले लोगों के घरों पर हमला किया गया है। विरोध रोकने के लिए की जा रही थी डराने की कोशिश, बदमाशों ने घरों पर पथराव किया। कल कॉलोनी के लोगों ने पेड़ काटने का विरोध किया था। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, हमला हुआ है, पेड़ बचाने वाले लोगों के घरों पर हमला हुआ है, विरोध करने वाले लोगों के घरों पर हमला, विरोध रोकने के लिए उन्हें धमकी दी जा रही थी, बदमाशों ने घरों पर हमला बोला है। कल कॉलोनी के लोगों ने पेड़ काटने का विरोध किया था, जिस पर बदमाशों ने हमला बोला है। तो पेड़ बचाने वाले लोगों के घरों पर हमला हुआ है, विरोध करने वाले लोगों के घरों पर हमला हुआ है, विरोध रोकने के लिए की जा रही है डराने की लगातार कोशिश, बदमाशों ने घरों पर पथराव भी किया है। कल कॉलोनी के लोगों ने पेड़ काटने का विरोध किया था, जिसके बाद बदमाशों ने ये पथराव किया है। कॉलोनी के लोगों ने पेड़ काटने का विरोध किया, जिस पर ये पथराव किया गया बदमाशों द्वारा। अधिक जानकारी के लिए सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, पेड़ बचाने वाले लोगों पर हमला हुआ है, कौन थे वो बदमाश जो यहाँ पर पथराव करने पहुंचे, लगातार धमकी दे रहे थे, कुछ पता चला इस बारे में? ये पूरा मामला देवेन नगर सेक्टर 3 का है, जहाँ एक्सप्रेस वे के किनारे पर लगभग 200 से ज्यादा पौधे रोपे गए थे, जो आज एक पेड़ का स्वरूप ले लिए हैं, और उसको काट कर निगम फुटपाथ बनाने का टेंडर दिया था। तो उसको काटने का जैसे वहां पे ठेकेदार पहुंचे और 15 से 20 पेड़ को काटा गया, उसके बाद कॉलोनी वासियों को पता चला, वो जाकर जमकर विरोध किए थे। विरोध करने के बाद ये अखबारों में, स्वराज एक्सप्रेस में प्रमुखता से ये खबर को चलाया, जिसके बाद लोगों के बीच ये पहुंची। तो वहां पे उनको डराने धमकाने के लिए बीते रात की घटना है, बीते रात उन पर हमला हुआ है, घर में पथराव हुआ है। और गाड़ी की बात करें तो वहां पे जो फोर व्हीलर गाड़ी है उनके शीशे टूट गए हैं, बड़े बड़े पत्थर गाड़ी के अंदर है। तो इस तरह के उनको डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे महापौर ने संज्ञान लिया है, उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करके अभी कहा है कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए और पेड़ नहीं कटने, जो विकास कार्य है वो हो रहा है, उसको विकास कार्य होगा लेकिन पेड़ नहीं काटा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सत्या जानकारी को साझा करने के लिए। और दुनिया में कोरोना